शुक्रदा करते हैं पूरा मौजूद है, साथ साथ है। पाकलाम से पढ़ते हैं सुनते हैं हमारे बात से बरकत हो बाप पाकलाम के सारे भेद ऊपर खुले होती हैं दुआएं कर देते हैं बाप वो साबू की मारे साथ आपका जल्द जल्द जवाब मिले बाप फिर कुछ मांग लेते हैं आपके बड़े के नाम से आमीन अब हम से सेहें से तो खास करते हैं कि वो आए और आगे जो ने मैच प्रिपेयर किया वो मास शेयर करें सिस्टर शहीन हाँ जी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस टू समर खुदा की बरकतें और खुदा का हाथ आपके ऊपर बढ़ा रहे खुदा का मसा आपके पर ठहरा रहे और खुदा हम आपको अपनी पाक दामन कमवारी की माने तैयार करें खुदा यसुसी के लिए अपने बादशाह के लिए और अपन हमेशा

जी कोई करेगा रीड रोमियो पहला बाग तो हाँ जी पहला बाग उसकी थाई साइड से आप पटक पटक ट्वेंटी एट से हाँ जी हाँ पहला बाग ट्वेंटी एट जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको ना पसंद अक्ल के हवाले कर दिया कि नलायक हरकते करें बस हर तरह की नाराजगी बदी लालच और बदखाई से भर गई और हसद खून रेजी झगड़े मकारी बहुत से ममूर हो गए और गनीमत करने वाले बद को खुदा की नजर में नफरती औरों को बेइज्जत करने वाले मगरूश चेखीबाज बत्ती के बानी माँ बाप के नाफरमान बेवाकूफ़ अहद शक्न तभी मोहब्बत से खाली और बेरहम होगी हालाँकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं फिर भी नाफ़क आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं आमीर जी। इसमें काफी बातें हैं जिसपे लेकिन हम सारी पे तो नहीं कर सकते इतना ज्यादा कुछ है इसमें है ना तो हम एक दो बात है उसपे थोड़ी सी बात करेंगे कि ये असल में सारे जो जैसे पीछे हमने थोड़ा सीखा कि इन्होंने खुदा को छोड़ दिया था यानी इंसान खुदा की इबादत करना इन्होंने पसंद नहीं किया है ना लोग इंसानों ने और कीड़े मकोड़ों की चपाओं की परिंदों की है ना इन्होंने इबादत जो है या इनकी पूजा जो है प्रस्टिस जो है वो शुरू कर दी थी और जिंदा खुदा को छोड़ दिया था सच्चाई पे नहीं चले है ना दिल की ख्वाहिशों के पीछे भागना शुरू हो गए थे ये हमने थोड़ा थोड़ा पीछे सीखा है ना तो लेकिन अगर हम मैं कहूंगी या मेन इसके पीछे जो वजह है जड़ है कि इन्होंने जब खुदा को छोड़ दिया जैसे हमने सीखा था अठारह आयत में कि कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है उसके अंदर ही लिखा है कि बातन में ही अः उसकी इतनी समझ है कि जब वो दुनिया को देखता है कि कोई है बनाने वाला खुदा है है ना तो उसकी सिफतों को जब देखते हैं कि ये जमीन आसमान पहाड़ समंदर है ना ये झीलें ये बनाने वाला कोई है कुदरत है यानी किसी मजहब को या किसी को वो नहीं भी मानता तो उसके अंदर ही एक ये एक, एक फितरत में पाया जाता है कि उसके अंदर एक समझ जो है आ, लेकिन उसने इंसान ने अपनी जो कह लुदा की तरफ से एक समझ एक अकल जो मिली है उसका इस्तेमाल नहीं करता और आ, जो कह लें नापसंदीदा अकल है जो फानी है चीजें उनके पीछे वो चल पड़ता है और असल में क्या हुआ कि वो जो अपनी उसकी समझ थी उसको उसने रद्द किया खुदावन को उसने रद्द किया इंसान ने और फिर ये मैं कहूंगी कि जो हैवानी खसलत है जो चुपाए हैं या जानवर हैं या जो भी हैं वो क्योंकि किसी के अंडर नहीं रहना चाहते वो ऐसी ये हवानों के अंदर एक क्या लें कि फितरत है उनकी कि वो तरतीब से या किसी की हुक्मरानी जो है वो वो नहीं पसंद करती इसीलिए आपने हमने भी यानी अपने बच्चों को ये देखते ही है ना कि जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं कहना नहीं मानते और अबतरी घर में होती है या लड़ाई झगड़े तो हम हमारे अंदर से क्या खुद ब खुद ही ये निकलता है वो ये तो हवान हवान की तरह या जानवरों की तरह इसका बिहेवियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि असल में ये बिहेवियर जो है ये हमारे अगर अंदर है हम किसी के किसी का कहना नहीं मानते और सारी वो बातें जो हैं खुदा को पसंद नहीं है ना नाराजगी की बातें बदी की न लायक हरकते या जो पिछली दफा हमने सीखा कि आदमी आदमियों के साथ उन्होंने रिश्ता बना लिया और औरतों औरतों ने के साथ तो ये एक हवानी खसलत है उनको नहीं पता कि ये मेरा बाप है ये मेरी माँ है या मेरा भाई है या है हाँ ना वो एक एक इंसान को खुदा ने समझती है और जानवरों को नहीं ये नहीं है तो इसलिए हम क्या कह लें अपने मुंह से यही हमारे समझ के मुताबिक यही निकलता कि ये क्या है जानवर है जानवरों की तरह इसका बेहेवियर और जानवरों की खसलत यह है कि वो किसी के एक फर्मा बरदारी या तब्यादारी या हुक्मों पे कानून के हिसाब से चलना वो उसके अंदर नहीं है तो असल में ये है कि खुदावंत के वो खिलाफ कर खुदावंत के खिलाफ चल रहे हैं कुछ भी करते हैं ये जो भी कुछ हमने अभी इसमें पढ़ा के नाराजगी ये नहीं। कोई नेक काम जो है वो नहीं करते बदी करते हैं लालच है बद है हसद है खून रेजी झगड़े मकारी बद को है ना आ, बेजती करना मगरूर शेखी बाजी और बदियों के बानी और माँ बाप के नाफरमान तो मुझे जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ज्यादा ने आ, मैंने पहले तो कुछ और यानी पिछले वीक जब मेरे जेन में था कि मैं एक एक इस पे बात करूंगी तो लेकिन मुझे खुदा ने इस तरह गाइड किया कि हम असल में जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी नहीं की और माँ बाप की भी नाफरमानी की माँ बाप के नाफरमान थे तो ये सारा कुछ ये सारी बदियां जो हैं उनके अंदर आ गई क्योंकि ये बाइबल से ही खुदा हम, पा गुरु ने जैसे कहले मुझे गाइड किया जब मैं रात को इसको पढ़ रही थी कि जिन्होंने खुदा आ, माँ बाप की फर्मा बरदारी की उनको खुदा ने हम अभी पढ़ते हैं कि खुदा ने उनको जगह दी या उनकी आ, मैं कहूंगी कि जिस तरह हम कल थोड़ा सीख रहे थे कि कौन कौन मतलब होंगे हजार साल बादशाह में या खुदाउन की हजूरी में कौन कौन होंगे कौन खड़े होंगे सामने कौन खुदा उनके साथ होंगे तो खुदाउन ने खुद ये खुदाउन के मुंह के अलफाज हैं अभी हमने वो चैप्टर पढ़ते हैं तो जो माँ बाप के फर्मा बरदारी में चलते हैं तो असल में बहुत सारे जो इस तरह की जो नेचर है इस तरह के जो गुनाह ये जो हमने अभी पढ़े है ना इससे वो बच जाते हैं तो हम दो वाले पढ़ते हैं एक अस्तिष्णा की किताब कौन हमारे साथ रीड कर रहे हैं ओके सुमीना सॉरी सुमीना अस्तिश्णा की किताब उसका किस बात निकालना और उसकी हम 18 से पढ़ते हैं किसाय तक जिसमें हमें पता चलता है कि खुदावन ने जो ये हमें पता है कि ये हुक्म भी है जिसके पीछे एक क्या कहते हैं बरकत है और खुदावन ने जब ये कोई बदी करता है या इस तरह के हमारे बच्चे हैं या हम खुद भी हैं तो खुदावन ने उसकी सजा लिखी हुई है किसने तो लिखा और उसकी से आप पढ़ना पढ़ना जी जी बेटे के बारे में हाँ जी। अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दन कश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो उनके तंबी करने पर भी उनकी ना सुनता हो तो उसके माँ बाप उसे पकड़ कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्ग के पास जो जगह के फाटक पर ले जाए और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा और गर्दन कश है ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाव और शराबी है तब उसके शहर के सब लोग उसे श्रंगार करें वो मर जाए यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना तब सब इसराइली सुनकर डर जाएंगे नहीं बस ठीक है हाँ। तो यानी जो खुदा की बात नहीं मानता माँ बाप की बात नहीं मानता खुदा ने देखी उसकी सजा जो थी वो ये रखी हुई थी कि उसको संसार कर दे पत्थर मार मार के उसको मार दे और उसमें वो जो सारी हम थोड़ी थोड़ी बुराइयां जो है वो पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उसके बारे में है कि वो गर्दनकश था वो कहना नहीं मानता था वो कोई भी माँ बाप बात कहते हैं वो नहीं सुनता था वो जिद्दी था है ना वो अड़ाऊ अड़ाऊ था पता नहीं पंजाबी में क्या लिखा हुआ है वो शराबी था तो इसका मतलब है ये बुराइयां उसमें बताई हुई हैं तो बाकी भी छोटी छोटी जो है जो हमने इसमें पढ़ी है वो भी उसमें होंगी है ना के वो झगड़े करता है वो मकारी सी या उसके दिल में बुगस होगा या वो अः उसके बदी है वो नाराजती है यानी कोई भी जैसे कह लें के नेक काम जो है वो नहीं करता हुआ तो इसका मतलब है कि ये, जो, आ, ये लिस्ट जो हमने पढ़ी है ये भी उसमें होंगी तो खुदाम ने कहा कि इस बुराई को तू खत्म कर दे इसराइल से और इसको संसार कर दे इसको मार दे है ना तो इसका मतलब है कि जो माँ बाप की फर्मा बरदारी में नहीं चलता ये बाकी भी सारी फरम जो हैं, उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं क्योंकि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता यानी खुदा ने कहा कि तू तो पहले खुद कोशिश कर फिर अपने जो बुजुर्ग हैं शहर के उनके पास लेके जा लेकिन अगर फिर भी वो ना सुने तो उसको आ, शहर के फाटक पर यानी सबके सामने जो है वो सजा दे लेकिन एक हवाला हम पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर फरमाबरदारी में चल रहे हैं आ, स्वीना आपने निकालना यरमिया की किताब उसका थर्टी फाइव चैप्टर ये तकरीबन हम पूरा ही पढ़ते हैं आ, कि भी एक स्टोरी की तरह हमें समझ लगे कि कि अगर आ, हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं तो खुदाओं तो की तरफ से जर्मिया पर नाजर हुआ कितु रुकावियों के घर जा और उनसे कलाम कर उनको खुदाओं के घर की एक कोटी में लेकर ला कर मैं ला तब मैंने बिन जर्मिया बिन हसबी और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और कापियों के तमाम घराने को साथ लिया और मैं उनको खुदा के घर में बनी बिन ये चीज लिया मर्द खुदा की कोठरी में लाया जो उम्र की कोठरी के नजदीक मिसिया बिन सलूम और दरबान की कोठरी के ऊपर थी और मैंने मैं से लबेस प्याले और जाम रकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखी और उनसे कहा मैं पियो पर उन्होंने कहा हम मैं ना पियेंगे क्योंकि तो हमारे बाप जो नाताब बिन रकाब ने हमको यू हुक्म दिया कि तुम हर किस मैं ना पीना ना तुम ना तुम्हारे बेटे और ना घर बनाना और ना बीज बोना ना सा लगाना ना उनके मालक होना बल्कि उम्र भर खैमों में रहना ताकि जिस तरह जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो चाचा हमने अपने बापा बिन रकाब की बात मानी उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवी और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते और हम ना रहने के लिए घर बनाते और ना ताकिस्तान और खेत और बीज रखते पर हम खेमों में बसे और हमने फरमाया हमने फरमान बरदरी की और जो कुछ हमारे पाप जो नदाब ने हम को तो हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया है लेकिन यूँ हुआ कि जब शाह बाबर बन इस मुल पर चढ़ आया तो हमने कहा आओ हम और रामियों की फौज के डर से यशम को चले जाएं यूं हम यश्रम में बसते हैं तब खुदा उनका कलाम जरमिया पर नाजर हुआ कि का खुदा यूं फरमाता है कि, कि आदमी और यशरम के बशिंदों से यूं कहे कि क्या तुम तरबियत ना होंगे मेरी बातें सुनो खुदा फरमाता है जो बातें यूना नादा बिन रुप ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं ना पियो वो बचा लाए और तक मैं नहीं पीते उन्होंने कलाम किया और तो तुमने मेरी ना सुनी और मैंने अपनी खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते भेजा कि हम कि तुम हर एक अपनी बुराई बुरी राह से बाज आओ अपनी माँ को दुरुस्त करो और गैर मुद्दों की पैरवी और बात ना करो जो मुल्क में तुमको और तुम्हारे बाप दादाओ को दिया तुम उसमें बसोगे लेकिन तुमने ना कान लगाया ना मेरी सुनी इसी सब से के युन, नाताब बिन के बेटे अपने बाप के तो हुक्म को जो उसने उनको दिया था बजा लाए पर इन लोगों ने मेरी ना सुनी इसलिए खुदावंद रब इस का खुदा यूं फरमाता कि देख मैं युद्धा पर और यश के तमाम बछिंदों पर पर वो सब मुसीबत मुसीबत जिसका मैंने उनके खिलाफ लान किया है लाऊंगा क्योंकि मैंने उनसे कलाम किया पर वो सुना ना हुए और मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने जवाब ना दिया और जर्मिया ने काबियों के से कहा कि रबल फाज इस तरह का खुदा यू फरमाता है कि तुमने अपने बाप नदाब के हुक्म को माना और उसके सब रसी पर अमल किया और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए इसलिए फाज फ्वाज इस का खुदा यूँ फरमाता है कि युना नादाब यूनाबन रुकाब के लिए मेरे हजदूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी आमीन आमीन हाले तो ये स्टोरी आपने सुनी कि देखें ये खुदा ने खुद उन लोगों से वो गैर कौमे थी वो इसराइली नहीं थे है ना लेकिन वो अपने आप का हुक्म उन्होंने माना और वो खैमों में रहते थे वो सारी जिंदगी उन्होंने खैमों में जिंदगी गुजारी मैं नहीं थी तो इसका मतलब है वो बाकी के जब भी खैमों जो रहते हैं और रूहानी तौर पर कहते हैं कि खैमे जो है आ, वो फेथ को पेश करते हैं ईमान को विश्वास को के जो विश्वास की जिंदगी है हमारी ईमान की जिंदगी है खुदावन के ऊपर कि खुदावन मुहैया करेगा हर चीज तो उन्होंने सारी जिंदगी एक किस्म का खैमों में गुजारी और इसका मतलब है कि बाकी के जो लालच है या बुराइयां हैं उससे भी वो बचे रहे और मैं उन्होंने नहीं पी जिस तरह के हम देखें कि मैं या शराब से भी आगे जो बुराइयां वो ही निकलती हैं तो इसका मतलब है कि वो जो उनके बाप ने रकाब ने उनको आ, मना किया था और उसके बेटों ने फर्मा बरदारी की देखे तो खुदावंद देखे कितना मैं कहूंगी कि दुखी हो रहा है कि मैंने अपने लोगों को नबियों को आ, कितने नबियों को भेजा कि मेरे लोग जो है इन बुरी राहों से बाज आ जाए मेरी शरीयत पे अमल करें दुरुस्त राहों पे चले ना गैर मुहमदों की ना करें उनकी ना करें उनके पीछे ना चलें लेकिन मेरे लोगों ने उनके नबियों की बातों के ऊपर कान नहीं धरा मेरी शरीयत पे उन्होंने कान नहीं धरा खुदावन ने कितनी मैं कहूंगी कि कोशिश की अः खुदावन ने उनको गुलामी में से निकाला शफा के लिए इंतजाम किया सब कुछ उनके लिए किया लेकिन फिर भी खुदावंद के लोगों ने उन अपने बाप का क्योंकि खुदावंद का बाप क्या है हमारा बाप है है ना हमने अपने बाप का कहना नहीं माना लेकिन जो ये जगैर कम है ये किसी खुदा को वो नहीं मानती थी लेकिन उसने अपने बाप का ये जो कह लें कबीला कह लें ये जो खानदान था इन्होंने अपने बाप का कहना माना और खुदावन ने देखे उन, उनकी इस फर्मा बरदारी को कितना पसंद किया कि खुदावन ने अपने नबी के जरिए उनसे कहा कि इसलिए रब -फाज का खुदा यूं फरमाता है मेरे यो यो हजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी मेरे हजूर खुदावन के हजूर खड़े रहेंगे खुदाम की हजूरी में रहेंगे है ना तो ये देखें फर्मा बरदारी जो है कितना इसका बड़ा अजर है ये खुदा का कलाम एक और जगह भी हमें मिलता है कि कुर्बानी तो को नहीं खुदावंत तो फर्मा बरदारी को हुक्म मानने को पसंद करता है तो इसलिए जब इन्होंने खुदा को छोड़ दिया इंसान ने और देवी देवताओं के पीछे लग गए तो इनके अंदर वो खसलत जो थी वो जानवरों की जो खसलत थी वो आ गई वो फर्मा बरदारी नहीं करते या उन्होंने जिस तरह हमने ये 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 असल में कहां से ये ये कहां से निकली कि जब उन्होंने भी क्या किया था जिंदा खुदा को छोड़ के यानी हाम की नस्ल से आगे ये चली थी आ, क्या कहते हैं बुधप्रस्ती तो उसने अप, बाप ने उसके ऊपर लानत की थी हाम के ऊपर है ना जो छोटा बेटा था नू का तो वहां से ये कह लें कि ये सारी जो बुद्ध परस्ती है कीड़े मकोड़ों की परिंदों की चुपाओं की या किसी का भी बुद्ध जो है वहां से चली थी और वो उनका मैं कहूंगी कि बनाने वाला कह लें या उनका बाप जो है जो हाम था और उसके आगे नमरूद जो था हमने सीखा कि वहां से परस्ती जो थी वो शुरू हुई तो असल में उसने क्या की थी अपने बाप की नाफरमानी की थी अपने बाप के ऊपर वो हंसा था तो इसलिए अगर हम जो खुदा के लोग हैं जब खुदावंत को छोड़ देते हैं खुदावंत का कहना नहीं मानते और खुदावंत ने जो हमें हमारे माँ बाप दिए हैं खुदा ने ये सिखाने के लिए समझाने के लिए जिस तरह मिया बीवी जो है आ, बीवी जो है खुदा ने कहा कि तू अपने बंदे की अपने शोहर की फर्माबरदारी में चल ताबेदारी में चल है ना तो हम नहीं करते हमारे अंदर क्योंकि खसलत किसकी है आ, वो यही जानवरों की खसलत है तो हम तरतीब से चलना किसी के कहना मानना हमारा आ, ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं है क्योंकि ये किसकी खसलत है या किसकी एक वो है तो हम खुदा के भी फिर ताब्या नहीं हो सकते इसलिए खुदा ने ये रिश्ते हमें अपनी वो एक ताब में चलने के लिए समझाने के लिए अः माँ बाप दिए ताकि उसकी फर्माबरदारी में हम चलें और खुदा ने वादा किया कि जो खुदा आ, माँ बाप की फरमा बरदारी में चलेंगे उनको जिंदगी मिलेगी उनको अजर जो है वो मिलेगा है ना तो नहीं अगर नाफरमानी में चलेंगी तो उनकी सजा क्या थी हमने जो इस की किताब में पढ़ा कि वो क्या है मौत थी संसार किया जाता था ऐसे बेटों को ऐसे बच्चों को है ना तो इसलिए ये जो बाकी की बुराइयां हैं जो लालच है और बदी है बद ये सारी खसलत जो है ये वहां से फिर निकलती जाती है तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि की जिस तरह जो थे ने उनके साथ वादा किया कि वो मेरी हजूरी में रहेंगे तो अगर हम भी चाहते हैं कि खुदाम की हजूरी हमारे ऊपर ठहरी रहे खुदाम का मसा हमारे ऊपर ठहरा रहे वो उनके पास तो जिंदा खुदा नहीं था देखे इंसानी बाप था उनका तो खुदा ने इतना कुछ वादा किया उनके साथ कि वो मेरी हजूरी उनके ऊपर ठहरी रहेगी या वो मेरे सामने खड़े रहेंगे तो अगर हम जिंदा खुदा की फरमाबरदारी में चलेंगे और ये सब कुछ जो शैतान शतान की कह लें उसी हवान की जिसने हवा को बहकाया था है ना तो ये खसलत जो है ये हमारे अंदर नहीं आएगी ये जो आम, हमारे खुदम यीशु मसीह ने कहा कि कहाँ से निकलता हमारे दिल के अंदर से ये बुराइयाँ जो है वो निकलती हैं हमारे दिल से बुरी बातें जो हैं वो निकलती हैं ये मकारी ये लालच बद बदकोई बद गोई मकारी जो है वो कहाँ से निकलती है हमारे दिलों के अंदर से निकलती है तो अगर हमारे दिल अंदर, आ, के अंदर कह लें कि खुदावंद बसता है हम दिल से अपने आसमानी बाप से मोहब्बत करते हैं है ना हमारा दिल जो है खुदावन की तरफ लगा हुआ है हमने जो जिस्मानी काम है वो नहीं करते आ, किसी भी तरह से है ना जो हमें खुदावन से दूर लेके जाते हैं तो खुदावन की हजूरी हमारे ऊपर ठहरी रहेगी लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये कहीं हमने किया है अपने माँ बाप की या अपने शोहर की नाफरमानी की है जो कि जमीनी तौर पे खुदा ने ये रिश्ते जैसे का हम आपको पता है कि मैं बार बार कहती हूँ तो ये का क्यों ने कोई सच्ची मुची हम खुदा की दोल्हन नहीं है खुदा ने कोई हमारा हमारे साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बना लेना कोई जिसमानी जो होता है या बनाया हुआ नहीं खुदा ने सिर्फ आ, समझाने के लिए रिश्तों के कि खुदा जो है इस तरह से जैसे मिया बीबी के बारे में लिखा है कि वो क्या है वो एक बदन होंगे तो खुदा ने ये हमें समझाने के लिए कि ये रिश्ता कितना पाक है और मेरा जो खुदा मसीह का जो रिश्ता है कितना पाक है या कितना क्लोज है कितना हमारे वो नजदीक है कि हम एक बदन है जब खुदा यस मसीह में हम आ जाते हैं तो हम एक बदन है तो क्या जो मसीह हमारे जब दिल में आ गया जब हमारे अंदर आ गया जब हमने उसे कबूल कर लिया तो क्या खुदाम मसीह ने ये सब बातें जो थी जो हमारे अंदर हैं वो कर, की थी या खुदाम यसु मसीह इस तरह से अः जो थी उनके अंदर ये बुराइयां थी नहीं थी ना तो अगर हम एक हैं अगर खुदाम हमारे अंदर है अगर हम कहते हैं कि हमने खुदाम यसु मसीह को पहन लिया है हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया है हमने हमें पाखरू का बपतिस्मा हो गया है है ना हम खुदा उनके साथ चलते हैं हम खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं तो अगर हम एक बदन है अगर खुदा मसीह हमारे दिलों में बसता है वो हमारा महबूब है तो ये बुराइयां जो हैं जो कि उसकी खसलत है जो शैतान की है जो हैवान है जो जानवर है तो ये खसलत जो है ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए है ना जो मकारी से उसने होशियारी चलाकी से उसने उसको बहका लिया था हवा को है ना या फिर हमें वो हम पढ़ते नहीं हैं, मेरा ख्याल है आप सबको ही पता होगा कि जो एजबल थी जजबल जो थी अपने हस्बैंड को अपने बंदे को जो बादशाह था अः बादशाह उसको क्या करती थी उसको कंट्रोल करती थी वो बादशाह था और नबूत जो उसके कहले साथ ही उसके महल के पास ही उसका एक कहले बाग था खेत था तो वो उसको लेना चाहता था अः बादशाह और नबूत ने कहा कि नहीं ये मेरी मराज है ये मेरा हिस्सा है ये मेरी जमीन है मेरे यानी बाप दादा की महराज है मैं तुझे नहीं दे सकता तो वो जो अखिल बादशाह था वो कहें उदास हो गया या बीमार पड़ गया तो ये जो इजबल थी इसने उसको कहा कि तू कैसा बादशाह है आ, कैसी तेरी हुकूमत है ना कि तेरा हुक्म नहीं मानते और ये लिखा है बाइबल हमें बताती है कि ये उसको बहकाया करती थी ये उसको उभारा करती थी के आ, उसको कंट्रोल करती थी उसकी बीवी जो एजपल थी और वो बादशाह था तो कई दफा मैं कहूंगी कि हम भी जो बेबिया होती हैं हम भी क्या करती हैं अपने जो घर का हमारा बादशाह है हमारा शौहर है हम उसके अंडर नहीं रहती हम उसको कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं जिस तरह के ये पल क्या करती थी अपने हस्बैंड को बहकाया करती थी और उभारा करती थी और जो सारे उसके मामला के हैं जो हुकूमत के हैं लें उसमें इसका सारा जो अमल दखल है वो होता था तो खुदा जो है ये नहीं चाहता कि खुदा ने उसको बादशाह बनाया था खुदा ने उसको जिस तरह कह लें कि जो खुदा खिदमत हमें देता है जो उसको चलाने के लिए खुदा वो मसा भी देता है हमें साथ जिस तरह मुसा को खुदा ने जब चुना तो अः मेरे ख्याल दो लाख या इस छह लाख शायद सॉरी मैं भूल गई हूँ कि इतने लोगों को लेके इसराइलियों को खुदा जो मुसा जो था वो निकला था इसराइल तो खुदावन ने इतने लोगों को जैसे कहने है, हैंडल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए खुदावन ने उसके ऊपर वैसा वाला मसा भी उनेला हुआ था तो तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा शोहर है या हम जो माए हैं खुदावन ने वो वाला मसा हमारे ऊपर उंडेला हुआ है हमें कोई समझ नहीं होती जब कह लें पहला बच्चा पैदा होता है तो किस तरह से उसको संभालना है क्या कुछ करना है नहीं खुदा ने खुद ही हमारे अंदर ही एक समझ जो है वो अकल जो है जब जो शोहर है खुदा ने उसको हिकमत दी हुई है वो मसा जो है वो उंडेला हुआ है लेकिन हमारे अंदर ये इसबल की जो स्पिरिट है वो काम कर रही होती है जो मकारी से आ, अपने शोहर को अपने पीछे लगा लेती है और वो चाहती है कि घर का पूरा कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में हो और वो उसको उभारती रहती है ओ देख तेरे घर वाले जो है आ, वो तुझे खा रहे हैं तुझे मेन सारा खर्चा तो वो कर जाते हैं और इस तरह की बातें जो है हम अपने जो शोहर हैं अपने जो बादशाह हैं हमारे घर के उसको सिखाती रहती हैं, उसके साथ बोलती रहती हैं। बेशक कई दफा हमारे ऐसे दिल में कुछ नहीं होता लेकिन हम उसके कान जो है भरती रहती हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ सभी हम इसमें शामिल है और हम उसके अंडर जो है वो नहीं रहना चाहती और ये मक्कारी से क्या करती हैं हम काम जो है वो एजबल की जो स्पिरट या जो कह लें जानवरों की जो स्पिरट है वो हमारे अंदर काम की क्योंकि ये क्या थी बुधप्रस्त थी और आ, इसने आ, मकारी से क्या किया था वो खेत जो था झूठे झूठे जो खत थे आ, वो लिखे और शरीर लोगों को गवाही देने के लिए उसको मरवाने के लिए नबूत जो था आ, उसको मरवाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया कि ये आ, इसने खुदा के खिलाफ जो है काम किया या बादशाह के खिलाफ काम किया और इसने झूठे झूठी गवाहियां घड़ी लोगों को इकट्ठा किया और झूठी झूठी बातें जो हैं मकारी की बातें जो हैं और इसने उसके खिलाफ किया काम किया और उसको मरवा दिया संसार उसको किया गया था नबूत को और खेत जो है मकारी से अपने शोहर को आ, दिला दिया और ये बिल्कुल इसी तरह हम भी कई दफा अपने घरों में करती हैं अपना जो हमारे घर का बादशाह है हमारा शोहर है हम उसका कहना नहीं मानती और उसको बहकाती रहती हैं उसको कुछ ना कुछ उसकी फैमिली के खिलाफ या उसके दोस्तों या जॉब पे जो उसका काम है दखल अंदाजी जो है वो करती हैं हालांकि खुदा ने उसको हिकमत दी हुई है खुदा ने उसको समझ दी हुई है लेकिन जिस तरह ये इजबल करती थी बिल्कुल उसी तरह देखें उसने अखिया बादशाह ने उसने नबूत ने खेत उसको नहीं दिया आ, और ये ठीक है परेशान हुआ उदास हुआ लेकिन उसने ऐसी कोई मकारी जो है या उसके खिलाफ कोई एक्शन जो था वो नहीं लिया लेकिन जब इसकी बीवी ने बहकाया तब उसने वो सारा गलत काम जो है कहने किया और खुदावन ने फिर जो नबी था उसके जरिए उससे कलाम किया कि तेरी लाश को जो है वो कुत्ते चाटेंगे एजबल की लाश को भी कुत्तों ने चाटा था और जो अखियब था और खुदा ने कहा कि तेरी मैं सारी नस्ल को इसी तरह मरवा दूंगा इसी तरह खत्म कर दूंगा है ना तो इसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर भी ये मकारी है और बद है हम बुरी बातें करते रहते हैं गिबत करते रहते हैं और दूसरों की बुराई जो है वो करते रहते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर भी ये जो इजबल की स्पिरट है ये जो मकारी से करती है किया उसने काम और झूठी झूठी बातें और गलत बातें अपने शोहर के साथ वो करती बद गोई और उस नबूत के बारे में जो कि कहले खुदावंद का बंदा था और अपनी मराज यानी के जो हमारा हिस्सा है जो हमारा अजर है उसको उसने संभाल के रखा उसने कहा यानी हमारी जो कहले फर्मा बरदारी है जो ताबेदारी है पाकिज की है जो हमारा हिस्सा है उसको उसने नहीं छोड़ा उसने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता ये मेरे बाप की मराज है मैं इसको इस खेत को तुझे नहीं दे सकता तो जिस तरह हम सीख रहे हैं कि अब हमारा आ, हिस्सा जो है, जो अजर है, है, अजर वो है यानी जो हमें आसमान पे मिलेगा, है ना तो हम रूहानी अपनी जो हिस्सा है जो अजर है उसको ना खो दें, क्योंकि जब हम ये वाली बातें करेंगे ना फरमान है अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते अपने हस्बैंड के आ, अंडर नहीं रहती तो इसका मतलब है ये हमारी मेराज जो है हमारा हिस्सा जो है वो खो जाएगा वो हमें नहीं मिलेगा तो नबूत ने कोशिश की देखिए उसके लिए उसको जान देनी पड़ी लेकिन उसने अपना हिस्सा जो था अपनी महराज जो थी जो कि क्या है ईमानदारी है फर्माबरदारी है ताबियादारी है वो नेक सारे काम है जो हम खुदाउन में खुदा के डर और खौफ में रहते हुए करते हैं ये हमारा हिस्सा है तब हमें ताज मिलेगा और इन सारी जो बुराइयां हैं यानी हम माँ बाप के अहद ना हो और के अहद ना हो हमारे अंदर अः शेखी ना हो कि हम बच्चे समझते हैं कि माँ बाप को तो कुछ समझ नहीं है ये तो पुराने जमाने के हैं और शेखी से अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं बच्चे जो हैं समझते हैं ये पुराने दौर के माँ बाप को कुछ समझ नहीं है है ना तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये सारी बुराइयाँ हैं वो सारे नफर नफरती काम जो है सॉरी वो हमारे अंदर हैं हम बेजती करते हैं अपने माँ बाप की अपने जैसे कह लें बीवियां कह लें अपने शोहर की और शोहर जो है वो खुदा उनकी फर्मा बरदारी में नहीं चलते तो ये एक तरतीब है जैसे कह लें कि अगर शौहर अपनी फर, खुदा बाप की फर्माबरदारी में चलेंगे तो बेबिया उनकी फर्माबारदारी में चलेंगी और बच्चे जो हैं फिर उनकी फर्माबारदारी में चलेंगे तो ये एक तरतीब से है लेकिन फिर भी अगर आपका माँ बाप या आपका शोहर खुदा उनके साथ उस तरह से नहीं भी चल रहा ये देखें जो रक्का भाई थे उनका वो किसी खुदा को नहीं मानते थे है ना लेकिन उनके बाप ने उनको मना किया कि शराब नहीं पीनी खैमों में जिंदगी गुजारती है तो उनके बच्चों ने वो कुछ नहीं जानते थे खुदा के या फिर लेकिन उन्होंने फर्मा बरदारी की तो इसलिए अगर हमारे शोहर हमारे माँ बाप खुदा के साथ उस तरह से नहीं भी चल रहे लेकिन अगर हम अपनी मराज पाना चाहते हैं हम बरकत पाना चाहते हैं हम वो हिस्सा पाना चाहते हैं जो हमें आसमान पे मिलेगा तो हम उसकी फर्माबरदारी में चले शोहरों की या अपने माँ बाप की तो हम अपना हिस्सा ना खोएं हम अपनी माराज ना खोएं वो गलत हैं तो हम भी गलत ना करें है ना अगर वो खुदा की फर्मा में नहीं है तो हम अगर हम अपना हिस्सा चाहते हैं तो उन रकबा रकाबियों की तरह हम जो हैं फर्माबरदारी में चले तो ये बाकी की जो जो हमारे अंदर नाराजगी है बदी है लालच है तो ये हमारे अंदर काम नहीं करेंगे और हम उनकी तरह देखें उन्होंने अपने बाप की फरमाबरदारी की थी तो उनको हिस्सा मिला था तो बिल्कुल मैं और आप भी अगर, अगर अपने माँ बाप की शोहर की फरमाबरदारी में चलना चलेंगे तो हमें जो मराज है हमें वो खुदाउन की हजूरी जो है वो मिलेगी आपका शोहर खुदाउन में नहीं है वो अभी कहें गैर उसमें ही है कॉमों में तब भी खुदाउन ये रिश तो खुदावन ने ये रिश्ता बनाया जोड़ी जो है खुदावंद ने, ने उसके साथ रखा है तो हमारा ये काम है कि हम उसकी फरमा में चले तो ये जो ये सारी जो नाराजगी है इसको हम पांव तले को चल सकते हैं इसको हम जो है आ, यानी इनका असर जो है वो कोई हमारे ऊपर नहीं फिर हमारे ऊपर वैसी सजा जो है जिस तरह के उसके बेटे को मिली जिस तरह कह लेंगे इसराइल में हम खुदा ने कहा कि उस गर्दन कश बेटे को क्या कर दे संसार कर दे तो ये हमारे ऊपर ये सजा जो है जो कि खुदा ने पहले ही हमारे ऊपर से ख़त्म कर दी है खुदा यूस ने सलीब पर उसको क्या कर दिया है ये सजाएं जो थी हमारे ऊपर वो ख़त्म करती हैं तो इसलिए अगर लेकिन हम फिर से इस तरह के बिहेवियर हैं इस तरह के फरम नाफरमानी में जिंदगी गुजारते हैं बदखोई करते हैं बेजती करते हैं अपने माँ बाप की तो ये सजा जो है ये फिर से हमारे ऊपर आ जाती है क्योंकि खुदाम का कलाम हमें ये बताता है कि खुदाम ने हमारी जो पुरानी लानते हैं या वो सब कुछ खत्म कर दिया लेकिन फिर भी हम खत करते हैं गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो फिर उसकी माफी जो है हमें आ, मांगनी है उसको मजबूती से थामे रखना है, अपनी नजात को ये नहीं है कि एक दफा मुक्ति मिल गई या नजात ना तो इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम खुदाम की हजूरी में आ, उसके सामने खड़े रहें और खुदाम का हाथ हमारे ऊपर बड़ा रहे तो हम उसकी आ, अपने माँ बाप की और अपने शोहर की आ, फर्मा बरदारी में चले और शोहर जो है खुदाउन की फर्मा बरदारी में चले अगर वो चाहते हैं कि की उनकी उनके घर के ऊपर ठहरी रहे और वो जो एजबल वो जो एज़बल की स्पिरिट है उसकी बादशाही में काम ना करे कि उसके बच्चे ना फरमानी में चले उसकी बीवी जो है आ, वो फर्मा बरदारी में ना आ, जिंदगी गुजारे है ना तो इसलिए अगर शोहर बादशाह जो हैं हमारे घर के वो ये चाहते हैं और बीविया चाहती हैं और बच्चे अगर चाहते हैं कि हमारे घर में खुदा उनकी हसूरी जो है वो ठहरी रहे हमें वो मराज हमारा हिस्सा जो है मिले तो फर्मा बरदारी में चले खुदा उनके डर और खौफ में हम जिंदगी गुजारे तो ये सारी जो लानती ये आ, बदी की कोवते हैं कि आ, जिनके पीछे क्या है सजा है है ना अगर हम ये काम करेंगे तो उनकी सजा है उनकी अः मौत है उनके पीछे लेकिन अगर हम फर्मा बरदारी करेंगे तो हमें जिंदगी मिलती है अब भी जिंदगी मिलती है तो आप सबको और मुझे भी आ, ये फजल दे कि हम खुदाम की फर्मा बरदारी में और माँ बाप की बरदारी में चलें तो खुदा आपको बरकत दे गॉड ब्लैसा हम सबको ये फजल दे हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे हालेलुया थैंक यू जीसस खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा वो जो सजाएं हमारे ऊपर थी जो लांते खुदा खुदा हमारे ऊपर थी हमारी नाफरमानियों की वजह से हमारी गंदगी की वजह से हम खुदा खुदा तेरे खुदा खुदा हुक्म को तो हैं खुदा जो तूने चाहता है कि हम तेरे वो नेक काम करें जिसके लिए तूने जमीन पे हमें भेजा कि खुदा खुद हम ये दुश्मन की ये शैतान की ये आहवान की जो खुदा खुदा सारे उसके काम हैं खुदा खुदा वो ना करें बल्कि तेरे नए काम तेरे वो पाक काम करें तो खुदा खुदा खुद हमें वो फजल दे हम पे वो रहम कर तर्स का खुदाम खुदा कि हम उन तेरे कामों को कर सके खुदम फर्मा बरदारी में चल सके खुदा खुदा यस्सु के नाम से खुदम किसी भी तरह से खुदम खुदा दुश्मन हम पे फतह ना पाए बल्कि हम उस पे खुदम खुदा फतेह पे फतेह पाते जाए उसको अपने पाऊ तले कुचलते जाए यस्सु के नाम से खुदम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्ल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं हम ईमान से इस रोटी को ले और इस पानी को पिएं जो कि खुदा मजीद मसीह के अब लहू में तब्दील तो हो गया है और इस बदन को लें इस रोटी को लें जो कि खुदा मजीद मसीह ने हमारी आजादी के लिए बहाली के लिए शफा के लिए तोड़ा है यीशु के नाम से ईमान से हम इस पानी को लें और इस रोटी को लें गॉड ब्लेस यू